हेलो गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम लोग पहले ही बस में बैठे थे जब सॉरी से बैठे थे हम लोग। अब हम लोग किस जगह पे खड़े बगी बस हम लोग सॉरी से तो कुछ आगे आ गए हैं, निकल आए हैं। कुछ देर बाद आगरा आ जाएगा, कुछ देर बाद आगरा आएगा। चलिए मिलते हैं आपको आगरा में। हम लोग आगरा पहुंच चुके हैं। हम लोग की खड़ी है वो गाड़ी, इस पर बैठ रहे हैं और बाकी लोग नीचे जा रहे हैं। आगरा स्टेशन है ना ये? यस। D2 डिब्बा। हाँ, तो वो डिब्बी है जा। ये देखिए डिब्बी हमारे साथ पीछे चल रही है यहाँ पर। इनकी बल्ला है वही पता लगे अजमेर में। चलो दो एंट्री। आइए जीसान भाई खाना खा। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी हम लोग आए हैं, एक घंटा सोए हैं सोने के बाद। और जेकर तुम नहाने जाओगे तो मैं तो कहता है ये दोनों एक साथ नहाएंगे। मैं कहता हूँ तीनों लोग एक साथ नहा लो, तीनों लोग बराबर मर रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, नहाएंगे धोएंगे ज़ियारत के लिए निकलेंगे। चलते हैं फिर मिलते हैं ज़ियारत पे। हेलो गाइस, हम लोग तैयार हो चुके हैं ख्वाजा साहब की यहाँ हाजी देने के लिए, बस निकल रहे हैं। चलिए और आप लोगों की भी ज़ियारत कराते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे। चलिए आइए मेरे साथ। मेरे करम आया तेरे करम माशाल्लाह से हम लोग आ गए हैं ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। ताड़ा करके ऊपर जा रहे हैं और अभी हम लोगों ने गाड़ी करी है। देखिए अभी हम आपको और ऊपर ले चलते हैं। चलिए तो अब ताड़ा करके ऊपर आ चुके हैं और अभी हम आपको ऊपर से बैकग्राउंड दिखाएंगे और सामने करवला को भी वो भी दिखाते हैं। वकील भाई देखिए मौसम बिगड़ने वाला है इनका। खतरे घंटी बज रही है, खतरे की घंटी बज रही है इनकी। ओके तो आपको हम आइए नज़ारा दिखाते हैं सामने। अभी हम आपको नीचे का नज़ारा दिखाएंगे तो अभी मज़ार दिखाते हैं आपको। ये ताड़ा करके ऊपर की मज़ार है, अभी हम आपको और ज़ियारत कराएंगे। वहाँ पर ऊपर मज़ार है, अभी वहाँ चलेंगे। बकील भाई कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम लोग तारागढ़ आने में थोड़ा लेट हो गए, फिर भी ठीक है आ गए। और आपको तारागढ़ घुमाएंगे, सारी मज़ारे दिखाएंगे, उसके बाद नीचे चलेंगे। तो चलिए हम आपकी ऊपर मज़ार चलते हैं, वहाँ की तुम आपको मज़ियात कराते हैं, उसके बाद नीचे उतरेंगे आपको वो भी दिखाते हैं। हम लोग यहाँ से गए तो गाड़ी से बट जाएंगे पैदल, क्योंकि रास्ते में कई चीज़ें गाड़ी से नहीं दे सकते थे, इसलिए हम लोग पैदल जाएंगे मजबूरी में। जैसे कि मीठा नीम वगैरह ये सब आपको दिखाएंगे और जो क्या बोलते हैं इसके ऊपर पत्थर फेंका था उन्होंने दो उंगली से रोका था, आपको वो भी दिखाएंगे। दिखाएंगे काफ़ी चीज़ें हैं वो दिखाएंगे आपको, मौके पर बताएंगे क्या है क्या नहीं। तो चलिए मिलते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग ताड़ा करके ऊपर हैं। नीचे ये सारी बस्ती है अजमेर सिटी। ये जो आप लोगों ने नीचे का देखा ये सब अजमेर सिटी है। अच्छा हम लोग ये सब हो रहे। हाँ ये सब तो
तो गाइस हमने आपको अंदर की ज़ियारत करा दी, चलिए चलते हैं ऊपर वाली मज़ार पे। तालागढ़ पे जो आए थे हम आपको नाम बताएंगे बाद में, ये सबसे अब उसके अंदर चलते हैं, ज़ियारत आपको कराते हैं, चलिए। ये है तालागढ़ की ऊंचाई, हम लोग ऊपर खड़े हैं, वाना सागर है, अभी वहाँ पर भी चलेंगे। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, वकील भाई देखिए कैसे उतर रहे हैं, इनकी हालत तो बेकार हो चुकी है, तो आप देखिए इनके मजा लीजिए, आप देख सकते हैं कितना मकबरा बना हुआ है। गाइस तो जैसा कि देख सकते हैं हम तालागढ़ से ऊपर थे, अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, और अभी देखना यहाँ पर पहाड़ी है, अभी उतरने में बहुत ही टाइम लगेगा, ऊपर से किला बना हुआ है वो दिख रहा है ना गाइस। तो हम लोग को ऊपर से उतरते उतरते पूरे आधा घंटा हो गया है, और हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं, जब राजा करी नमाज के दो उंगली से रुका था, घोड़े की पैर से रुका था, चलिए आपको ज़ियारत कराते हैं। ये है वो चीज़, ये वो पत्थर है जो राजा करी नमाज ने रोका था। तो ये वही पत्थर है जो जादूगर जयपाल ने ऊपर से फेंका था ख्वाजा करीम नमाज के ऊपर, उन्होंने दो उंगली लगा के घोड़े की टांग से रोका था, देखिए घोड़े का जो घुटना था ना, जो घोड़े का घुटना था ये, और दो उंगली से ये रोका था। तो हम लोग को तालागढ़ से ऊपर से उतरते उतरते कम से कम 40 मिनट हो गए होंगे ऊपर से उतरते उतरते, झूठ ना बोला करो, 35 मिनट हुए हैं अभी। चलो 35 मिनट हुए, लेकिन कुछ भूख लगी हम लोगों को, तो बकीला पता नहीं क्या लेने लगे, एकदम खाने के लिए खाना खाएंगे नीचे जाकर, अभी फिलहाल में काम चलाओ, चना जो घोड़ा खाकर भी हो जाए जवान वो खा रहे हैं, तो कुछ ताकत आए तो नीचे उतरने के लिए, चना विद स्टिंग। हाँ। और अभी नीचे कुछ और बताया था आपने, क्या मिलेगा, नीम पेड़ क्या बोला था, मीठा नीम आपको वो भी दिखाते हैं, अभी आपको हमने पत्थर दिखाया, मीठा हमारे साथ है और नीम अभी बाकी है। नहीं लगता है एक घंटा, तो अभी नीचे जाने का कितना टाइम लगेगा बताइए, एक घंटा यहाँ से, और आधा घंटा तो हम लोग चल के आए, अभी अब एक घंटा यहाँ से लगेगा ऊपर, चलिए तो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर खाते हैं, चलो चलने वाली ताकत खाने जा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बनलाइट बेबी, अभी मीठा नीम बाकी है, मीठा साथ में है, नीम नीचे मिलेगा, चलते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको 45 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 45 मिनट हो चुके हैं ऊपर से आए हुए, और देखिए वहाँ पर बहुत ही ऊपर है, अभी हम आपको मीठा नीम दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ बने रहिए, तो चलिए आइए, बहुत टाइम लग रहा है नीचे जाने। ए मीठा नीम, तो जो हमने आपको बताया था हो, तालागढ़ से उतरने में यार बहुत, वकील भाई हाँ, तालागढ़ से हम लोग ऊपर नीचे आए, कितना टाइम लगा, ढाई से तीन घंटे कदम। मीठा नीम भी देख लिया, पत्थर भी देख लिया, हाँ। अब कहाँ चल रहे हैं हम लोग, ढाई दिन का झोपड़ा अच्छा, उसके ऊपर अंदर है, तो ढाई दिन, चलिए आपको ढाई दिन का झोपड़ा दिखाते हैं, एंट्री हाँ, बकील भाई की एंट्री हो चुकी है यहाँ पर ढाई दिन के झोपड़े में, ये दे सकते हैं ढाई दिन का झोपड़ा, और सब उर्दू में लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ढाई दिन का झोपड़ा है, और हम आपको दिखा रहे हैं ये पीछे पहाड़ है, और ये ढाई दिन में बना था ये। हेलो गाइस, जैसा कि आप देखते हैं हम लोगों ने ढाई दिन का झोपड़ा भी घूम लिया, अब अकेले हम लोग किधर चलना है, इसको ढाई दिन का झोपड़ा भी बोलते हैं, कायदे का जो नाम है ना वो है इसका मस्जिद नाइन मकसद यहाँ नवाज, हाँ ढाई दिन का झोपड़ा लोग कहते हैं घूमने के पर्पज़ से, तो मतलब हम लोग का आज का कवर हो गया, हाँ तालागढ़ कवर हो गया, ढाई दिन का झोपड़ा भी कवर हो गया, मतलब मस्जिद,
और हम लोग ने काफ़ी चीज़ें घूमी। अब हम लोग कल कहाँ चलेंगे? कल चलते हैं आना सागर और सात अजूबा पार्क दिखाते हैं आपको कल। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग आना सागर के गेट में पहुंच चुके हैं, एंट्री हो चुकी है। वकील भाई यहाँ पर किराया देते हुए और हम लोग आना सागर आपको दिखाने वाले हैं बहुत जल्द। कितना टाइम लगेगा घूमने में अंदर? 30 मिनट, ओनली 30 मिनट। तो चलिए आना सागर आपको घुमाते हैं। गाइस देख सकते हैं आना सागर के अंदर यहाँ पर लोग अपने आशिकों ने यहाँ पर बहुत ही इशारा से नाम लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं सबके आशिकों के नाम पड़े हुए हैं यहाँ पर, किसी के जान का किसी का वान। चलिए आपको आना सागर दिखाते हैं। मोबाइल कहाँ पास है? ये है आना सागर। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप देखते हैं हम लोगों ने आना सागर घूम लिया। वकील भाई कहीं नहीं गए, वकील भाई यहीं पे बैठे रहे, तो हम आपको अब सात अजूबे दिखाएंगे। और सात अजूबे कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ इसलिए बैठे रहे कि कल तारागढ़ की चढ़ाई ने जान ले ली, इस घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मतलब यहाँ से सात अजूबे कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से सात अजूबा है 5 किलोमीटर। अच्छा, तो यानी कि 5 किलोमीटर सात अजूबा है। तो चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं, वहीं पर मिलते हैं। हेलो गाइस, तो देखिए सात अजूबे के लिए हम लोग यहाँ से टिकट ले रहे हैं। चलें जी, देखिए हम लोग सात अजूबे में आ चुके हैं यहाँ पर, और हम आपको दिखाएंगे सात अजूबे। अभी हम आपको एक एक करके सात अजूबे सब दिखाएंगे। तो देखिए आपको सात अजूबे दिखाने वाले हैं बहुत जल्दी। ये तो ब्लॉग बना रहे, देखिए सात अजूबे। वकील भाई, ताजमहल तो हमने सुना था आगरा में, ये हाँ कैसे छोड़ा तुमने बनवाया क्या? मिनी। अच्छा मिनी छोड़ा ताजमहल, ये क्या तुमने बनवाया था? किसके लिए? तुम्हारी भाभी के लिए। अच्छा, ये पहले गुटखा कम खाएं, ये देख सकते हैं। वकील भाई, जो मूर्ति ऊपर खड़ी है किसकी है ये? ये अमेरिका के वास्को डी गामा की मूर्ति है। तो हम लोग कहाँ पे हैं? सात अजूबा पार्क राजस्थान। ओह, सात अजूबे यहाँ पर, एक दूसरा वो रहा एलफेन रावत पेरिस, दो तीन चार पाँच छः, ये प्रायमेड है। प्रायमेड जो मिस्र में होता है ना, मिस्र में 3 प्रायमेड हैं। तो ये गाइस देखते हैं छोटा ताजमहल है, और अभी हम लोग और चीज़ें दिखाएंगे आपको, सात चीज़ें दिखाएंगे यहाँ पर। हमें तो गिनते की तो सिर्फ 6 चीज़ें दिख रही हैं, पर एक छोटा ताजमहल ये है। पहला ताजमहल दिखाया जैसे कि आप, और दूसरी चीज़ ये है, मुझे नाम नहीं पता पर मैं आपको लिख के बता दूंगा क्या नाम है इसका, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको तीसरी चीज़, तो ये रही तीसरी चीज़, इसका भी नाम मैं आपको दे दूंगा अभी डिस्प्ले पर, तो दे सकते हैं। तीसरी चीज़ ये रही, अब मैं आपको चौथी दिखाने वाला हूँ अभी पास जाके। तो चलिए गाइस, तो पांचवी चीज़ ये रही, दे सकते हैं आप, देखिए इतना अच्छा व्यू है यहाँ पर। और ये रही चीज़, इसके बाद आपको ये दिखाएंगे, अभी ये देख सकते हैं आप। चलो ये